विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 30% बच्चों को एनीमिया या खून की कमी होती है। अक्सर इसका निदान सही समय पर नहीं हो पाता है। एनीमिया का प्रमुख कारण आयरन की कमी होता है। वैज्ञानिक सोच से यह ज्ञात है कि आयरन की कमी से एनीमिया के अलावा अन्य भी कई लक्षण शरीर में होते हैं, जिनमें से प्रमुख पढ़ने और काम करने में मन ना लगना, थकान, पैरों में दर्द, सांस फूलना इत्यादि हैं। इसके साथ में विटामिन B12 की कमी होने के कारण हाथ पैर में जलन या झुनझुनी होना एक प्रमुख समस्या बच्चों में पाई जाती है, विशेष रूप से उनमें जो भोजन में अंडा, मांस, मछली का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले अनेक बच्चों में दृष्टि दोष होता है, जिसे मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। परंतु भारतवर्ष में बच्चों की आंखों की जांच नियमित रूप से नहीं कराई जाती है, इसलिए उसका निदान भी नहीं हो पाता है। इसके कारण बच्चों को पढ़ने में अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, मिलते जुलते अक्षर में धोखा हो सकता है। कुल मिलाकर यह सभी परिस्थितियां बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करती हैं और अक्सर ऐसे बच्चों को विद्यालय में और घर में प्रताड़ना मिलती रहती है। यह विचार ज्ञान गंगा रीवा की मीटिंग में चिकित्सकों ने दिया है। बताया गया है कि यदि विद्यालय में बच्चे स्वयं ही एक दूसरे की जांच करके दृष्टि दोष और एनीमिया का पता कर सके तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और अनेक बच्चे मंद बुद्धि अथवा मति मंद कहलाने से बच जाएंगे। उनके पढ़ाई में भी सुधार होगा, कार्य क्षमता, खेल कूद में भाग लेने, प्रतियोगिता में भाग लेने की क्षमता भी विकसित होगी। इस उद्देश्य के साथ रीवा जिले के स्कूलों में स्वास्थ्य क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें हर विद्यालय से प्रथम आने वाले 4 छात्र छात्राओं को अमृत मित्र की उपाधि दी जाएगी और उनको संक्षिप्त प्रशिक्षण देकर विद्यालय में अपने साथियों की दृष्टि दोष तथा एनीमिया के लिए जांच करने का उत्तरदायित्व दिया जाएगा। मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे डॉक्टर HP सिंह सर, स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर MP पाठक साहब, यहाँ उपस्थित प्रवीण कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीचर और बच्चे भी और प्रिंसिपल साहब, ये चारों उप विजेता है। इसका हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य था, हम लोग ज्ञान गंगा कार्यक्रम से संबंधित हैं, जिसके संरक्षक कलेक्टर महोदय हैं। पिछले कई सालों से हम लोग रीवा जिले में कार्य करते हैं। आज ये वर्ष हम लोग का 23वां वर्ष रहेगा, जब लगातार हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि स्कूलों में देखा गया है कि जो एनीमिया का परसेंटेज है वो लड़कों में लगभग 29% है और लड़कियों में लगभग 56% है। ये पूरे भारतवर्ष के फिगर्स हैं, न केवल मध्य प्रदेश के। और दूसरी जो बड़ी परेशानी है कि बच्चों में दृष्टि दोष होता है, जिसको हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। छोटे बच्चों की आंखों की जांच कराना हिंदुस्तान में अभी उसकी प्रथा नहीं चालू है, कोई कराता नहीं है जब तक कि कोई विशेष रूप की समस्या ना आए। तो अक्सर देखा गया है कि स्कूलों में लगभग 8% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गंभीर किस्म के दृष्टि दोष होते हैं, और अगर वो क्लास में पीछे बैठते हैं तो उनको पढ़ने में, बोर्ड देखने में, समझने में दिक्कत होती है, और इस कारण कई बार उनके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि अरे ये बच्चा तो पढ़ता नहीं है, और उनके परीक्षा में नंबर कम आएंगे, वो पढ़ नहीं पाते हैं, मिलते जुलते हुए अक्षर वो नहीं पहचान पाते। तो ये दो समस्याएँ पर हम लोगों ने फोकस किया है, एक है एनीमिया और दूसरा दृष्टि दोष। तो हम लोगों ने सभी विद्यालयों में एक क्विज कराई और उसमें हर विद्यालय से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो फर्स्ट 4 थे, जिनको हम लोग अमृत मित्र नाम दिया है। ये अमृत मित्र को हम लोगों ने आज यहाँ प्रशिक्षण भी दिया और उनको पुरस्कार भी दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, और सबको एक आई चार्ट वितरित किया है, और उनको प्रशिक्षण इस बात का दिया गया है कि वो अपने विद्यालय में दृष्टि दोष की भी पहचान कर सकें और देख कर एनीमिया की पहचान कर सकें। तो इस प्रकार वो अपने विद्यालय में जाएंगे और ये दो परेशानियों के लिए काम करेंगे, और वो पूरे अपने विद्यालय के सारे बच्चों की स्क्रीनिंग करके उनमें जो भी बच्चे इस तरह के निकलते हैं उनको अपने प्रिंसिपल के माध्यम से अस्पताल, डॉक्टर्स के पास भेजेंगे ताकि उनका एनीमिया का करेक्शन हो सके और दृष्टि दोष का करेक्शन हो सके। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम आज बहुत सफल रहा, 22 स्कूलों के बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया और टोटल 88 बच्चों को हम लोगों ने आज सेलेक्ट किया जो अमृत मित्र हैं, और वो सब जाएंगे और अपने अपने विद्यालय में इस एक्टिविटी को चलाएंगे। और जो जिला स्तरीय क्विज आज हुई उसमें प्रथम स्थान सेंट्रल अकेडमी स्कूल ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान PK स्कूल ने, और तीसरा स्थान हमारे गवर्नमेंट शासकीय जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलपरा है, सिलपरा के बच्चों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए,
कि सभी तरह के बच्चों ने इसमें भाग लेकर बहुत अच्छे से कम्प्लीट भी किया और आगे के लिए वादा किया है उन लोगों ने कि अपने अपने विद्यालयों में इस कार्यक्रम को गति देंगे। देखिए, शिशु जो विकसित होता है वो माँ के गर्भ में विकसित होता है। जो प्रमुख कारण शिशु मृत्यु दर का है वो है प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट, कम जन्म के बच्चे पैदा होना और कम समय के बच्चे पैदा होना। ये पूरा माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। माँ स्वस्थ है तो शिशु स्वस्थ रहेगा। माँ अगर भोजन उसका पर्याप्त नहीं है, पोषण कुपोषित है, एनीमिया से ग्रस्त है या किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है तो उसका शिशु भी कमज़ोर होगा और यही शिशु आगे जाके फिर शिशु मृत्यु दर के लिए एक परेशानी बनता है। हम चाहते हैं कि हर माँ का हर शिशु स्वस्थ रहे, हर माँ एक प्रसन्नतापूर्वक एक अपने बच्चे का लालन पालन कर सके और इसके लिए ज़रूरी है कि किशोरी बालिकाओं का पोषण पे उनके शरीर में जो खून की कमी होती है वो ना होने पाए, पोषण अच्छा रहे, उनकी हाइट अच्छी रहे। यानी हम लोग चाहते हैं कि 6-7 साल से बच्चियों पर ध्यान दें कि वो जो उनका पोटेंशियल है उस हाइट को प्राप्त कर सकें और कम से कम 5 फुट 2 इंच की हाइट रहे ताकि उनके बच्चे स्वस्थ पैदा हो सकें।